धर्म गुरुओं को मैं शशत वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और आज इस बैठक में आने के लिए उन सभी को, गुरुजन को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज यहाँ आकर आशीर्वाद दिया। और हमारी इस पहल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में कई सारा आशीर्वाद दिया है और कई सारे अच्छे सुझाव दिए हैं, उस पर हम आगे उस पर आगे उसको बढ़ाएंगे और 2018 में फिर से नंबर वन आएंगे। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात है इंदौर की जनता जागरूक हुई, और ये सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को अवेयर होना, और इंदौर की जनता अवेयर हुई है, ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट। जी बिल्कुल, मैं सभी इंदौर वासियों से निवेदन करूंगी कि पहले तो गुटखा नहीं खाएं क्योंकि स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, लेकिन चूंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से नहीं छूटती है, उसके लिए वो भले ही खाएं लेकिन पीकदान या डस्टबिन अपनी गाड़ी में रखें, क्योंकि शहर जो गंदा हो रहा है वो एक स्वच्छता पर दाग जैसा लगता है, और सभी लोग अवेयर हुए हैं। तो कृपया प्लीज़ निवेदन है कि ये भी ध्यान रखें कि शहर में कहीं भी पीक ना थूकें, क्योंकि 25 तारीख से हम ये अभियान चलाने वाले हैं, और उसमें हम जो भी पकड़ में आएगा उस पर एक्सपर्ट फाइन तो होगा ही, उसका नाम अनाउंस होगा रेडियो के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उसका नाम अनाउंस करेंगे। देखिए, सम्माननीय हमारे धर्म को भी सभी धर्मों के आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे। माननीय महापौर जी ने बताया पहले कि नगर निगम क्या क्या प्रयास कर रहा है, जनता को क्या सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधि किस प्रकार से इसमें लगे हुए हैं, और सभी का एक मत था कि नहीं, सफाई में बहुत सुधार आया है। सभी अपने फोरम के माध्यम से जो भी प्रवचन देते हैं या जो भी एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे जो मैसेजेस दिए जाते हैं, उसमें हम सफाई को मेंटेन रखने के लिए बोलेंगे। पॉलीथीन को लेके सभी एकमत थे, ये भी सलाह आई थी कि पॉलीथीन का विकल्प पे भी काम हो। पॉलीथीन के विकल्प के लिए भी कई लोगों ने बोला कि उनके यहाँ कपड़े का, कागज़ का किस प्रकार से विकल्प के रूप में कार्य कर रहे हैं, और मुख्य यही था कि पॉलीथीन का इशू था, और थूकने पे जरूर बहुत सभी का एकमत है। माननीय महापौर मैडम ने बताया जो 25 तारीख से मुहिम चल रही है उसमें सभी एकमत थे कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, 5,000 जुर्माना होना चाहिए। कुछ ने तो यहाँ तक की सलाह दे डाली 15 दिन का कारावास भी होना चाहिए। तो उसमें सभी धर्मगुरु हमारे बड़े एकमत थे कि जो थूका जाता है सड़कों पर इसको बिल्कुल सख्ती से रोका जाए। इसको